जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहि भारा जब जदुवंश कृष्ण जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होगा द्वापर के अंत में, उस वक्त श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तेरा पति तुझे सदेह प्राप्त होगा। इसलिए श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का जब विवाह हुआ और उनका पहला पुत्र प्रद्युम्न साक्षात कामदेव है, कामदेव कृष्ण पुत्र के रूप में आए। रति गवनी सुनि शंकर बानी, शंकर जी से वरदान प्राप्त करके रति चली गई। अब अवसर जानी, सब देवता आ गए, ब्रह्मादि देवता स्तुति करने लगे शंकर जी की, शंकर जी को प्रसन्न किया। देवताओं ने कहा, भगवन काम जार रति कहूं बर दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। आपने कामदेव को जलाकर फिर रति को जो वरदान दिया, हे कृपा सिंधु आपने ये बहुत अच्छा किया। हमारी एक विनती है। शंकर जी बोले, हां बताओ क्या है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, आप बताओ, हमको तो बोलने में कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर महादेव जी गुस्सा करेंगे। अब देवता महादेव जी से बहुत डरते हैं। ब्रह्मा जी को आगे किया, आप बताइए। तो ब्रह्मा जी, तो बूढ़े ब्रह्मा जी, बड़े मंजे हुए, बड़े ठहरे हुए, बड़े बुद्धिमान, बुद्धि के ही देव हैं ब्रह्मा जी, आकर के कहा कि महादेव जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि कहो अमर आए के ही हेतु, तो बस आपकी आज्ञा है तो निवेदन, आप तो सब जानते ही हैं लेकिन आपकी आज्ञा है तो निवेदन करता हूं। भगवान देवता लोग मुझसे कह रहे हैं कि बहुत समय से किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की बारात में जाने का अवसर नहीं मिल रहा, कोई शादी ब्याह, कोई उत्साह आनंद मंगल, कोई मिठाई विठाई। शंकर जी बोले, हां तो तुम लोगों में बहुत सारे देवता है, किसी को ब्याह दो। हा नहीं 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 भगवान, निज नया नहीं देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह, सब देवता अपनी आंखों से आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। अब ये नहीं कहते हैं कि आप विवाह करिए तो आपके घर में बेटा होए और बेटा होए तो वो तारकासुर को मारे तो हम चैन की सांस लें। महाराज हम तो अपनी आंखों से आपके विवाह का दर्शन करना चाहते। तब शंकर जी को भगवान राम की आज्ञा याद आई, ओ ये तो मेरे प्रभु ने भी मुझसे मांगा था, अनुमति दे दी और तुरंत सब देवताओं ने राजी होकर जय घोष किया, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से कि जल्दी तैयारी करो, तुरंत तैयारी करो शंकर जी के विवाह की, क्योंकि यदि हमने विलंब किया और ये फिर से समाधि में बैठ गए तो इनको जगाने के लिए दूसरा कामदेव अपने स्टॉक में नहीं है, इनको तो समाधि में बैठ जाने की आदत, इसलिए जल्दी तैयारी करो। देवता लोग तैयारी करने लगे, अपने अपने वाहन तैयार करने लगे, देवता खुद सब बंठन के तैयार होने लगे। तैयारी करो यानी खुद तैयार होने लगे, कोई दुल्हे को नहीं पूछ रहा, तैयार करना चाहिए था दूल्हे को लेकिन वो तो बैठे हुए जप कर रहे।
शिवगणों ने, हाँ शंकर जी को जब बहुत अच्छा लगा, शिवगणों ने सोचा कमाल है, देवता सब तैयार हो रहे हैं, शादी किसकी हो रही है, हमारे इष्ट देव बैठे हैं जप कर रहे हैं। तो शिवगण आए और कहा कि भगवान हम आपकी सेवा में हैं, थोड़े तैयार हो ले। बोले बाबा बैठे, बोले बैठे हैं, जो करना हो करो। और शंभुगण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। गंगा को लाने कोई दूर तो जाना नहीं था, सिर से ही बह रही थी, गंगा जल से नहलाया भोले बाबा को रगड़ रगड़ करके। चारों तरफ सेवक आ गए, एक इस पास पे, एक दूसरा पीठ पे, रगड़ रगड़ करके बाबा को नहलाया। और नहलाने के बाद दो गण गए और स्मशान से गरम गरम भस्म ले आए, पूरे शरीर पर भस्म रमाए। दुनिया का पहला और अंतिम दुल्हा जो स्मशान की भस्म रमा के शादी के लिए गया हो, आप में से कोई ये हिम्मत करना? वो लोग भगा देंगे। और फिर एक गण ने कहा बोले बाबा से, बाबा बोले हाँ आज वाघा पहनेंगे। बोले पहना दो, बोले लोगों में जाना है तो कुछ पहन के जाए ना। बोले वैसे तो यहां नगन भगन आराम से है, शरीर का भान ही नहीं जिसको, बैठे नंग धड़ंग अपनी मस्ती में अपने मौज में अलख निरंजन करते हुए। लेकिन अब लोगों में जाना है तो ठीक है, पहना दो वाघांबर। वाघांबर धारण कराया और जटा बांधी, उसके अंदर एक नाग को बिठा दिया, गले में नाग पहनाया। नयन तीन उपबीत भुजंगा, उपबीत के स्थान पर भी भुजंग पहना दिए, बाजूबंद में भी भुजंग, कटिभाग पर भी एक भुजंग, और अंत में मुंड माला, मुंडों की खोपड़ियों की माला बना करके दो गण उठा के लाए। जैसे बड़ी माला दो जन उठा के लाते और नेता के गले में पहनाते ना, बड़ा हार, तो नेता यूं हो जाता, माला का भार इतना होता है। कभी कभी तो लोग आसपास में एक फ्रेम की तरह उस माला को पकड़ करके खड़े हो जाते हैं और नेताजी की फोटो खींच लेते हैं, और बाद में क्योंकि पहना तो गया काम से, फिर इतनी भारी भरकम होती है माला। तो मुंड माला शंकर जी के गले में धारण कराई, खोपड़िया वोपड़िया सब ठीक करके बढ़िया लगे उस तरह से सजा के, और नंदी को तैयार किया, हाथ में त्रिशूल और डमरू दे दिया। अशिव बेश शिव धाम कृपाला, शंकर जी नंदी पर आरूढ़ हुए अपने इष्ट का स्मरण करके, और सब देवता अपने अपने वाहन पर और चल दिए। सब बारात निकली, देवताओं की स्त्रियां बोली अरे भोले बाबा के साथ तो इनके सब भूत प्रेत पिशाच सब साथ में चल रहे हैं, इनके साथ चलने में देवताओं को बड़ी शर्म लग रही थी। तो धीरे से एक ने कहा कि भाई देखो सब साथ साथ चल रहे हैं तो गड़बड़ी हो रही है, व्यवस्था बनाए रखो, व्यवस्था बनाए रखो, ऐसा करो सब लोग अपने अपने समूह के साथ अलग अलग चलो बारी बारी से। तो इंद्र अपने समूह के साथ अलग हो गए, विष्णु अपने समूह के साथ अलग हो गए, ब्रह्मा जी अपने समूह के साथ अलग हो गए, वरुण अपने समूह के साथ अलग, तो सब अलग अलग हो गए। तो शंकर जी का समूह अपने आप अलग हो गया, क्योंकि तुम अलग हो जाओ ऐसा तो कह नहीं सकते थे, और दूल्हा रुड़ गया और फिर से जप करने बैठ गया। तो इसलिए बड़े बुद्धिपूर्वक, देवता बुद्धिमान और स्वार्थी है, बड़े बुद्धिपूर्वक शंकर जी के समूह को अलग कर दिया, और वो भी लास्ट में रखा ताकि आगे जाएं तो पहले वो लोग अच्छी तरह से अपना स्वागत कर लें, हम अपने उतारे पे जाकर आराम करें, बाद में शंकर जी आए तो ठीक है। क्योंकि शंकर जी को यदि आगे रखा तो वहां स्वागत करने के लिए कोई खड़ा नहीं मिलेगा, फूल की मालाएं वहीं छोड़ करके। इसलिए शंकर जी को एकदम पीछे रखा। तो सबसे पीछे शंकर जी नंदी पर, आसपास दो चार गण जा रहे हैं। श्रृंगी भृंगी ने कहा भोले बाबा, कहा कि हां ये सब लोग साथ साथ क्यों नहीं चल रहे हैं? शंकर जी ने कहा अपने साथ बहुत कम लोग चलते हैं भैया, सब लोगों का काम नहीं है,
लेकिन बाबा देखो शादी आपकी हो रही है और हम दो चार मिलकर के जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, कोई बड़ा सरगस होना चाहिए। तो शंकर जी ने कहा श्रृंगी वृंगी, बोले हां, जगत के तमाम स्मशान में रहने वाले भूत प्रेत पिशाचों को न्योता दो कि भोले बाबा की शादी हो रही है, सब लोग आओ। और श्रृंगी वृंगी ने मंत्राकर्षण शक्ति से सब स्मशान में रहने वाले भूत प्रेत पिशाचों को बुलाया, सब लोग आइए, अपने भोले बाबा का विवाह हो रहा है। और दुनिया के सब स्मशानों से जितने भी भूत प्रेत पिशाच सब थे, सब आ गए बारात में। और अब तो इतना बड़ा समूह हो गया भोले बाबा का कि देवताओं के सभी समूह का योग करो तो भी इससे छोटा। दुनिया भर के स्मशान से भूत प्रेत पिशाच आए, अफ्रीका से आए, जॉम्बो यूरोपियन भूत आया, हेलो हाउ आर यू, हर हर महादेव। वो अपनी भाषा में महादेव जी, अब सभी दुनिया के स्मशान के भूत है तो क्या करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं क्या स्थिति है, देखो। तन खीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे, तन खीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। जय हो। कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुवर श्रीकाल देश अगणित को गने, स्वान सुवर श्रीकाल मुखगण देश अगणित को गने। बहुजिन स प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने। कोई अनेक मस्तक वाले, कोई बिना मस्तक के रुधिर शरीर पर उससे नहाते हुए अपवित्र पदार्थों को धारण किए, कोई श्रीकाल मुख, कोई सुअर मुह है, चित्र विचित्र चेहरे वाले अनेक भूत प्रेत पिशाच आए। और जब समाज चलने लगा, अब देवताओं की स्त्रियां मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी, जस दूल्हा तस बनी बरात, अब जैसा दूल्हा है वैसी उसकी बरात, बिल्कुल ठीक। और बरात जा रही है, मार्ग में जो जो गांव पड़ रहे हैं तो गांव के लोग शोरगुल सुनकर के बाहर आते हैं, अरे किसी की बारात जा रही है, बारात देखने के लिए लोग बाहर आते हैं। तो पहले ब्रह्मा जी का समाज आया, गांव के लोगों ने पूछा कि भाई दुल्हा कहां है, आप लोगों में दुल्हा कौन है। करे दुल्हा तो पीछे आ रहा है, कहकर के ब्रह्मा जी का समूह आगे गया। इंद्र का समाज आया, लोगों ने इंद्र को देखा तो सोचने लगे, मानो ना मानो यही दुल्हा होना चाहिए। किसी देवता से पूछा, यही दुल्हा है ना जो सुंदर लग रहा, अरे कहा नहीं नहीं वो तो बराती है, इंद्र है बराती है। बोले दुल्हा पीछे आ रहा। वो समाज गया, अब विष्णु का समाज आया, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्याम वर्ण वाले गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु को देखकर लोगों को भरोसा हो गया, पक्का भैया लागी शर्त यही दुल्हा है।
बोले पूछ लो। विष्णु के समाज के किसी देवता से पूछा कि भैया यही जो श्याम वर्ण वाले शंख चक्र गदा पद्मधारी गरुड़ पर आरूढ़ है वही दूल्हा है ना? अरे कहा नहीं नहीं ये तो बराती है। बोले दूल्हा? पीछे आ रहा। अब गांव के लोग बड़े उत्सुक कि जिनकी बारात में बराती इतने सुंदर हैं वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो अंत में जो समाज निकला उन्होंने कहा कि अब जो समाज आए वो दूल्हे का, तुम यहां टिको तो अच्छी बात है। अब लोग दूल्हे के समाज को देखने के लिए बड़े उत्सुक, कोई पैड़ पर चढ़ गए देखने लगे, कहां कहां, कोई मकान पे चढ़ गए कहां है, बच्चों को यहां चढ़ा लिया लोगों ने। बच्चे कहते हैं मम्मी दूल्हा कहां? बोले अभी आएगा, देखो बेटा अभी आएगा, अब जो आएगा समाज वो दूल्हे का। और भूत प्रेत पिशाच जांबो हर हर महादेव करते हुए जब आए, सब लोग जो भागे हैं, भागो बाप रे भूत है, जो लोग पेड़ पे चढ़े थे भूत कह के नीचे गिरे उठ के भागे, जो लोग मकान की छतों पर चढ़े थे वो कबले इधर उधर करके सीधे ही अंदर घुस गए। और पत्नी बोली आ गए थाली लगाओ। वो इतना डर गया कहां पर आ, पत्नी बोली क्या हो रहा, अरे बाप रे आपको तो बुखार है। पत्नी ने उसको सुला दिया और वो बिल्कुल ऊपर ओढ़ करके तान करके सो गया। उसके कान में अभी भी आवाज गूंज रही हर हर महादेव, ऐसी तेज बुखार चढ़ी उसको। बाप रे बाप, ऐसा दूल्हा। गई बारात आगे हिमाचल के घर, जब पहुंची बारात, ब्रह्मा के समाज का स्वागत किया, उनको योग्य निवास में उतारा जहां दिया था पहुंचाया गया। विष्णु का समाज आया उसको भी स्वागत करके पहुंचाया गया, इंद्र का समाज आया उसका स्वागत किया, और फिर जब दूल्हे का समाज आया, ठंडे शरबत के टीन वहीं पड़े रहे, फूल की मालाएं और गजरे जो दूल्हे को और बरातियों को हाथ में देने के लिए स्वागत करने के लिए लोग खड़े थे वहीं फेंक करके भागो भागो करते हुए सब बच्चे भी भाग करके खड़े हो गए। शंकर जी ने कहा श्रृंगी भृंगी? बोले हां मालिक, इस गांव में स्वागत की ये रीत है? कहा मालिक होती तो नहीं लेकिन अपने जहां जाते हैं वहां हो जाती है। तो बोले सब कुछ छोड़ करके ही गए हैं? महादेव जी ने कहा भाई स्वागत स्वीकार कर लो, स्वागत स्वीकार कर लो सब लोग। तो सब लोग भूत आए, किसी ने माला ठाकर अपने गले में डाल ली, किसी ने वो उठा लिया फूल का गजरा बुके, कोई वो शरबत के टीन मुंह पे लगा के पीने लगे और कोई नहाने लगे उसे हर हर महादेव करते हुए। बाकी सब वहां से भागे, बच्चे डर के मारे अपने घर गए। मां बाप ने कहा कि अरे क्यों डरे हुए हो? बोले दूल्हा देख लिया। बोले दूल्हा देखने से ऐसा होता है क्या? कैसा है दूल्हा? बोले क्या बताएं, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरान, भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी करा, भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी करा, जो दिया तरही बरात देखत पुण्य बड़ ही कर सही, हो जिया तरह बरात दे पुण्य।
करी कान कही दुल्हे का वर्णन किया और बच्चे बोले अरे मां दुल्हे के साथ तो भूत प्रेत पिशाच रजनीचर जोगिनी आदि है। हमको तो लगता है दुल्हे का दर्शन करके जो जिंदा रहेगा वही पार्वती के विवाह का दर्शन करेगा। माता पिता ने बच्चों से कहा शिव जी का समाज है, मुस्कुराते हुए कहा कि निर्भय हो जाओ निर्भय हो जाओ, वो तो भोले बाबा पधारे। लेकिन शंकर जी ने कहा श्रृंगी भृंगी, बोले जी मालिक अब कहां जाना, अपना उतारा कहां है। श्रृंगी भृंगी बोले महादेव जी अपना उतारा तो हर गांव में होता है, गांव के बाहर स्मशान तो होता ही है, वहीं अपना उतारा। चलिए, बोले चलिए महादेव जी के नंदी को, और डोलता हुआ नंदी शिव जी को अपने ऊपर उठा के हर हर महादेव करते हुए यूरोपियन भूत अफ्रीकन भूत अमेरिकन भूत ऑस्ट्रेलियन भूत और इंडियन तो थे ही थे, और सब लोग स्मशान में जाकर एक जगह थोड़ा झाड़ फोड़ करके एक पेड़ के नीचे और एक ने यूं अपना आसन बिछाया, पधारिए भोले बाबा। और भोले बाबा त्रिशूल गाड़ गए अलख निरंजन कहकर के भोले बाबा वहां बैठे, आसपास सब गण बैठ गए। वहां हिमाचल ने कहलवाया कि भाई विवाह की सब तैयारी हो गई है, आप दुल्हे को लेकर मंडप पर आओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ हाँ हम पहुंचते हैं। बोले जल्दी आना फिर विवाह का मुहूर्त बीता जा रहा। बोले बिल्कुल। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र के पास जाकर के कहा कि भाई कन्या पक्ष वालों ने कहलवाया है कि अब दुल्हे को लेकर जाएं, विवाह का मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी जाना चाहिए। दूल्हा कहां है? इंद्र ने कहा मुझे क्या मालूम, आपको नहीं मालूम? ब्रह्मा जी बोले मुझे भी क्या मालूम, शायद विष्णु जी को पता हो। तो इंद्र ब्रह्मा मिलकर के विष्णु जी के उतारे पे गए, नमस्कार किया, बोले प्रभु जल्दी बुलाया है कन्या पक्ष वालों ने, मुहूर्त बीता जा रहा है, दूल्हे को लेकर जल्दी मंडप पे जाना। दूल्हा कहां आपको पता? बोले मुझे क्या पता, हमको तो यहां उतारा मिला तो हम ठीक ठाक अभी व्यवस्थित हुए, अब किसी को पता नहीं दूल्हा कहां। अब कन्या पक्ष वालों तो पूछ उनको तो पूछ नहीं सकते कि दूल्हा कहां, वरना नाक कट जाएगी कि अरे कैसे बाराती हो भाई तुम लोग, तुम्हारा दूल्हा और हमसे पूछ रहे हो कहां। तो ब्रह्मा जी बड़े बुद्धिमान चतुर हैं, उन्होंने कहा हां एक जगह हो सकते हैं, चलो मेरे साथ। और ले आए स्मशान में और वहीं थे। स्मशान के द्वार पर दो अफ्रीकन भूत पहरा दे रहे थे, ब्रह्मा विष्णु और इंद्र जब अंदर जाने लगे त्रिशूल बीच में कर दिया, ठहरो। बोले अरे अंदर जाने दो, नहीं जा सकते। अरे भोले बाबा का काम है। बोले हमको बताओ जो काम। अरे जाने दो। बोले नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? बोले कहीं आप लोगों की हमारे दूल्हे घर लग गई तो। तीनों देवता एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए, बोले लो हमारी नजर दूल्हे को लग जाएगी, दूल्हे का दर्शन करने के बाद 15 दिन सिकली ऊपर उतर जाएगा आदमी, और ये चिंता कर रहे हैं कि कहीं हमारी नजर लग गई दूल्हे को तो। तो भोले बाबा ने वहां से देखा कुछ शोरगुल हो रहा है, बोले क्या है क्या है भाई, अरे आने दो उनको आने दो। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सब अंदर आए, भोले बाबा को प्रणाम किए और कहा कि बाबा तो कम से कम आज के दिन तो आप नगर में पधारो, बाकी तो स्मशान में ही रहते हो। शंकर जी ने कहा यहां किसने मना किया, लेकिन कोई हमारा स्वागत करने के लिए वहां रहा ही नहीं। क्षमा करे भोलेनाथ, लेकिन अब आप पधारिए, वहां सब राह देख रहे हैं, मुहूर्त बीता जा रहा है, चलिए। तो भोले बाबा कोई मान अपमान तो है ही नहीं, सीधे उठ चलो चलिए।
और जैसे ही भोले बाबा उठ के चले और साथ में सभी टोली भूत प्रेत पर हर हर महादेव करके सब चले, ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो 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 ठहरो, आप लोग यहीं रहो, हम केवल भोले बाबा को लेने आए। सब लोग बोले ये कैसे हो सकता है, हमारे मालिक का विवाह और उनको ले जाओ और हम यहां। शंकर जी बोले विष्णु जी से, नारायण कितने भोले हैं मेरे सब, आने तो ना। भोले हैं आपको, प्यारे हैं, उसमें कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन क्या है विवाह की विधि जरा अच्छी तरह से हो जाए, इसलिए आप इन सबको यहीं रखे तो अच्छा है, वरना वहां घरातिनियों के मुंह से गीत नहीं निकलेंगे, ढोलक नहीं बजेगा, बैंड वाले वाजे पू 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 करके छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए आज के दिन भोले बाबा, बस केवल आज के दिन इनको आप यहीं रहने दें। तो भोले बाबा ने कहा कि भाई सुनो सुनो सुनो, आप लोग यहीं रहो, मैं अभी शादी करके आता हूं। ऐसे ही शादी कर दिया जैसे कोई। ठीक है, भोले बाबा की आज्ञा हो गई तो सब भूत प्रेत वहीं रहे। वो भोले बाबा को साथ लेकर नंदी पर आरूढ़ और ले गए सब देवता, और जब लग्न मंडप पर भोले बाबा पधारे, सास जी आई स्वागत करने, मंगल गीत गा रही थी सब घरातिनियां, मंगल बाजे बज रहे थे, और सास जी बंठन के आई मैनावती जी, भोले बाबा का स्वागत करने आरती उतारने, और सब ऋषि मुनि वेद घोष कर रहे थे। मैनावती जी से कहा कि दूल्हे को टीका करो, और सब लोगों ने मंत्रोच्चार किया, स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नोघा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षोष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधा चंदनम स्वांगंधर्वाहन स्वामींद्र स्वाम बृहस्पति स्वामोहदे सोमो राजा विश्वान्नमुच्यत श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहताम तिलक करिए। और जैसे ही मैनावती ने तिलक करने के लिए ऊपर देखा और भोले बाबा के गले में जो सांप रहे फूंक, सास जी बेभान हो गई नीचे मूर्छित हो। बाकी सब स्त्रियों ने देखा भोले बाबा के रूप को, देखते ही भागी वहां से मैनावती जी को लेकर। हल्ला गुल्ला हो गया, सबके गीत वीत सब बंद, बाजे बजाने वाले भी एकदम बंद हो गए। भोले बाबा जी ने जरा जटा खुजलाई और फिर वापस चले गए उतारे पे कि जब सास जी की मूर्छा बीते तो बुलाना। यहां मैनावती जी मूर्छित उन्हें उठा करके ले गए महल में, और थोड़ी देर के बाद मैनावती जी की मूर्छा भी थी और सामने सुकुमार पार्वती दुल्हन के रूप में बेटी बैठी है, उसको देखते ही मैनावती रोने लगी, हाय मेरी इतनी सुकुमार बेटी, और ऐसा दुल्हा, ऐसा वर, ऐसे वर को प्राप्त करने के लिए, बरने के लिए मेरी बेटी ने इतनी कठिन तपस्या की, अरे मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जो नारद ने यह उपदेश दिया मेरी बेटी को। जब नारद के लिए ऐसा बोलने लगी तो पार्वती जी बोली, मां एक बात बताओ, तुम मेरे भाग्य को बदल सकती हो? यदि मेरे भाग्य में ही ये वर है तो तुम क्या कर सकती हो? और नारद जी को कुछ मत कहो, मेरे गुरु हैं, वो मेरा भला चाहते। पार्वती को हृदय से लगा लिया, गोद में बिठाया, कहा बेटी तेरे साथ मैं गिरी शिखर से नीचे गिर के जान दे दूंगी, तेरे साथ मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगी, लेकिन ऐसे वर को उसके साथ तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। कहा कि मां तू कहे तो गिरी शिखर से गिरने के लिए तैयार हूं, तेरे साथ अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या तू मेरे भाग्य को मिटा सकती? उसी वक्त देवर्षि नारद आए गांव में, वो गांव में पूरा आतंक फैला हुआ था। नारद जी जब प्रवेश करने लगे तो लोगों का वो आए, इन्हीं के कारण सब ये गड़बड़ी हुई है। तो किसी ने नारद जी से कहा, महाराज वापस लौट जाओ,
क्यों? बोले रोज को रोज तो फूल के हार मिलते हैं, आज लोग लकड़ी लेकर खड़े हैं, क्योंकि ये सब आपके कारण हुआ। न आप पार्वती को बहकाते, न ये उपदेश करते, और न आज ये स्थिति आती। आपका अपमान होने की संभावना है, इसलिए आपके भले के लिए कह रहे हैं, महाराज आज गांव में मत जाइएगा, अपमान होगा आपका। नारद जी ने कहा, जब लोग फूल की माला पहनाएं तब जाएं, और जब लोग अपमान करने वाले हों तब उनको हित की बात करने न जाएं, तो हमारी साधुता खत्म हो जाएगी। साधु को मान अपमान से क्या, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, तुम्हारे हित की जो बात है वो तुम्हें कहना साधु का धर्म है, हम तो जाएंगे। कहकर देवर्षि नारद गांव में आए, महल में गए और समझाया, तुम्हारे अज्ञान को दूर करो, ये तो शंकर जी की ही शक्ति है, तुम्हारा भाग्य है कि यह शक्ति तुम्हारे घर में बेटी बनकर के आई, तुम्हें तो एक अवसर मिला है इसका कन्यादान करने का। जब समझाया, लोगों का मोह दूर हुआ, इसका मतलब यह है कि हमारे घर में कभी कभी कोई शक्ति होती है लेकिन हम उसको पहचान नहीं सकते। कोई नारद जैसा महापुरुष आकर के जब हमें दृष्टि देता है कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारे घर में कौन पैदा हुआ है, तुम्हारे घर में कौन बेटा या बेटी बनकर के आया, तभी हम समझ सकते हैं। फिर से शंकर जी को लाया गया लग्न मंडप पर, द्वार पर मैनावती फिर से आरती उतारने गई। अब तो शंकर जी कौन है, बड़ी प्रसन्न है, जानती है मैनावती जी, लेकिन आरती उतारते समय फिर से एक बार हाथ से थाली गिर गई। क्यों? क्योंकि आज शंकर जी के जटा मुकुट में बीज का चंद्र देख लिया, और मैनावती ने सोचा, जिनके ललाट में बीज का चंद्र हो उसकी आरती में क्या उतार, तारे नक्षत्रों सबका राजा है चंद्रमा, और वो जिसके ललाट में विराजमान है उसकी आरती क्या उतारूं। देव के देव महादेव को प्रणाम करके लग्न मंडप में लाया गया। दिव्य सिंहासन पर महादेव जी विराजमान हुए, मंगलाष्टक के साथ पार्वती को दुल्हन के रूप में पधराया गया। देवताओं ने अपनी माँ जानकर पार्वती जी को प्रणाम किया, और मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे वो शंभु भवानी, मुनियों के आज्ञा के अनुसार शिव और पार्वती जी ने गणपति का पूजन किया। कई लोग प्रश्न करते हैं कि माँ बाप की शादी में बेटे की पूजा, ये कैसे हो सकता? तुलसीदास जी ने कहा, कौ सुनी आचरज करे जनि सुर अनादि जी अजानी। देवता तो अनादि है, दैवी शक्ति तो अनादि है, गणेश माने विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता शक्ति। गणपति आदि का पूजन हुआ, विवाह की विधि संपन्न होने लगी, गहगिरी सुकुश कन्या पानी, कन्यादान का संकल्प किया और शंकर जी को अपनी कन्या समर्पित किया। दिव्य गीत मंगलाष्टक पढ़े जा रहे हैं, मंगल वाजिंत्र बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं और मंगल गीत सब लोग गा रहे हैं। गोत्रोच्चार की बात आई तो ऋषियों ने पूछा शंकर जी से, क्योंकि कन्या पक्ष का भी गोत्रोच्चार करना पड़ता है, वर पक्ष का भी गोत्रोच्चार करना पड़ता है, और तीन तीन पीढ़ी के पुरखों का नाम उसमें लेना पड़ता है। तो कन्या पक्ष का तो गोत्रोच्चार हुआ, अब वर पक्ष का गोत्रोच्चार करते समय ऋषियों ने पूछा वर से, दूल्हे से, आपके पिता का नाम बताइए। महादेव जी बोले, ये जरूरी है क्या? कहा कि हाँ, विधि है, गोत्रोच्चार करना है, तीन पुरखों का नाम बताना पड़ेगा, आपके पिता का नाम बताइए। अब शंकर जी जो अजन्मा है उनके पिता कौन? ऋषियों ने कहा, आपके पिताजी का नाम बताइए। तो शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा जी, हम ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से उत्पन्न हुए। अच्छा अच्छा, तो आप ब्रह्मा के पुत्र है, अब आप किसके पौत्र है, आपके दादाजी का नाम बताओ। शंकर जी बोले, बताना ही पड़ेगा। कहा कि हां, बताना पड़ेगा, जरूरी है। अच्छा, तो हमारे दादाजी का नाम है विष्णु जी, क्योंकि विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से हम हुए। अच्छा अच्छा, तो आपके पिता है ब्रह्मा जी और आपके दादाजी है विष्णु जी, अब विष्णु जी के पिताजी का नाम बताओ, आपके परदादा कौन है, ताकि बात पूरी हो जाए। यहां तक तो शंकर जी ने बताया, लेकिन अब क्या बताए?
विष्णु जी के पिताजी कौन? क्योंकि बस अंतिम बाकी रह गया ताकि गोत्रोच्चार पूरा हो जाए। बताइए, आपके पिता ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पिता विष्णु, विष्णु के बाप कौन? शंकर जी बोले, मैं खुद। चलो गोत्रोच्चार आगे बढ़ाओ, विधि आगे पूरी करो। हरि हर एक स्वरूप अंतर नवदर्श, दाइज दियो बहुभांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कहो का देव पूरन काम, शंकर चरण पंकज गहि रहो। बहुत दाइज दिया हिमाचल ने, शंकर जी को प्रणाम किया कि आप तो पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूं, कहकर के चरण पकड़ लिए। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष भांति कियो, पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरण हियो। सास ससुर को सांत्वना दिया, मैनावती ने भी प्रणाम किया और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हु, क्षमेउ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेव। नाथ, ये उमा प्राण समान प्यारी है हमको, आपकी पत्नी बनकर आपके घर में आ रही है, आपकी गृहदासी बनकर आ रही है, यदि उससे कोई गलती हो जाए हमारी बेटी के अपराधों को क्षमा करना। माता पिता जब कन्या को विदा करते हैं, कहते हैं दुल्हे से, दुल्हे के बाप से, हमने हमारी बेटी को संस्कार तो दिए हैं, लेकिन यदि फिर भी कोई गलती हो जाए हमारी पुत्री से, तो वो गलती हमारी पुत्री की नहीं, संस्कार सिंचन करने वाले हम माता पिता की वो गलती है, ऐसा मानकर हमारी बेटी को क्षमा कर देना। क्या स्थिति होती है मां बाप की जब बेटी को ससुराल में विदा करते हैं, बेटी को भी समझाते हैं, पति की सेवा करना, करेउ सदा शंकर पद पूजा नारि धर्म पति देवन दूजा, बचन कहत भरे लोचन बारी बहुरी लायुर लीन कुमार, कत विधि सृजि नारी जग माही, पराधी सपने हु सुख नाही। हे करे वो सदा शंकर पद पूजा। बेटा, नारी के लिए पति ही देव है और कोई देव नहीं, सदा शंकर के चरणों की पूजा करना। बेटी को विदा करते समय ये भी कहते हैं ना, आज से हम तेरे मां बाप नहीं, अपने सास ससुर की पूजा करना, सेवा करना, वो तेरे माता पिता है, सास ससुर की सेवा करना, लेकिन यहां ये कहने की जरूरत नहीं है, है ही नहीं सास ससुर। बहुत बहुत सिखावन देकर, आशीर्वाद देकर विदा किया बेटी को, और बारात शिव और पार्वती को लेकर लौट आई कैलाश। कैलाश के गिरी शिखर पर जैसे ही भगवान शिव और पार्वती विराजमान हुए, बार बार वंदन करके देवता, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, वंदन करके अपने अपने धाम को चले गए। शिव और पार्वती का दिव्य दाम्पत्य चला। तुलसीदास जी कहते हैं,
शिव भवानी तो संसार के मात पिता है, मैं बालक होकर अपने मात पिता के श्रृंगार की चर्चा कैसे करूं। तुलसीदास जी तो मर्यादा के कवि हैं। जगत मात पितु संभु भवानी ते ही सिंगार न कहूं बखानी। विविध विलास भोग करते हुए बहुत समय चला गया और तब प्रगटे हु षटबदन कुमारा षडानन कार्तिकेय महाराज का प्रागट्य हुआ। वे देवताओं के सेनापति बने और देवताओं की सेना को लेकर उन्होंने तारकासुर के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में उन्होंने तारकासुर को खत्म किया। जगुजान षडानन जन्म करम प्रताप पुरुषार्थ महातेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। जगत जानता है ये चरित्र, इसलिए मैंने षडानन कार्तिकेय महाराज के चरित्र को संक्षेप में कहा। उमा शंभु के विवाह को जो नर नारी गाएंगे सुनेंगे, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही, उन्हें सर्वदा सुख की प्राप्ति होगी। चरित सिंधु गिरजा रमन बेदन पावही पार, बरने तुलसीदास किमि अतिमति मंद गवार। चरित सिंधु गिरजा रमन चरित सिंधु गिरजा रमन बेदन पावही पार, बरने तुलसीदास किमि अति मति मंद गवार। बरने तुलसीदास किमि अति मति मंद गवार, हे अति मति मंद। भगवान शंकर का चरित्र तो समुद्र के समान है, वेद भी पार नहीं पाते, तो मैं मतिमंद तुलसीदास उसका बखान कैसे करूं। शंकर जी का यह चरित्र सुनकर के भरद्वाज जी को बड़ा सुख मिला, शरीर पुलकायमान हुआ, नयन से नीर बहने लगा और उस प्रेम पुलकायमान स्थिति को देखकर याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए कि वाह, मेरा श्रोता शिव चरित्र में ऐसा डूबा। प्रथम ही मैं कहे शिव चरित्र बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समत विकार। शिव चरणों में जिनकी रति नहीं है वह राम कथा का अधिकारी भी नहीं है। पहले मैंने आपकी पात्रता को देखना था, इसलिए पहले शिव चरित्र सुना, वरना पूछा था आपने राम कथा के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें सुनाया शिव चरित्र। कहीं आपने ये तो नहीं सोचा कि वक्ता विषयांतर कर रहा है, मैंने पूछा क्या है और ये सुना क्या रहा है, लेकिन नहीं, मैंने जानबूझ करके आपकी भूमिका को देखने के लिए पहले शिव चरित्र सुनाया। आप वास्तव में राम के सेवक हैं, सुनो भरद्वाज जी अब राम चरित्र से। भगवान शिव पार्वती जी के साथ कैलाश के शिखर पर विराजमान है। बहुत समय बीता, एक बार भगवान शंकर ने कैलाश के गिरी शिखर पर सुंदर जो वटवृक्ष है उसको देखा। वे गए, तरु बिलो की बड़ा सुख हुआ, अपने हाथ से ही भोले बाबा ने आसन बिछाया। परंपरा देखो वक्ता की, कथा की, यहां वक्ता स्वयं अपना आसन बिछा रहा, हम तो व्यासपीठ तैयार करते हैं, सजाते हैं, लेकिन यहां तो वक्ता ने और वहां सुखदेव जी ने भी भागवत में अपना आसन अपने हाथ से बिछाया और बैठ गए। और यहां भी निज करड़ा सिनागरी पूछा, निज करड़ा सिनागरी पूछा, बैठे सहज ही शंभु कृपा, बैठे सहज ही शंभु कृपा, कुंद इंदुदर
गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मनचीरा भुज प्रलंब परिधन मनचीरा निज करडा सिना बैठ सह जही शंभु कृपा बैठ सह कृपाला सहज ही वहां जाकर बैठे। गौर शरीर है, आजानु बाहु है, वलकल वस्त्र धारण किया है, ताजा खिले हुए कमल के समान कोमल चरण है, नख की दुती भक्तों के हृदय के अंधकार को दूर कर रही है, भुजक के भूषण शरीर पर भस्म रमाए त्रिपुरारी, उनका मुखचंद्र शरद पूर्णिमा के चांद की तरह शोभायमान हो रहा है, माथे पर जटा है, जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभाल। शंकर जी के सौंदर्य का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, भागवत में भी सुखदेव जी के सौंदर्य का वर्णन है प्रथम स्कंद में। भगवान सुंदर है तो भगवान की कथा सुनाने वाले भी सुंदर है। सुखदेव जी बड़े सुंदर है, शंकर जी बड़े सुंदर है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर उस वक्त वृक्ष की छाया में बैठे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं शांत रस शरीर धारण करके बैठा। पार्वती जी ने देखा पति प्रसन्न है और शांत बैठे हैं, सोचा ये अच्छा अवसर है, उनके पास जाऊं कुछ पूछूं। पार्वती भल अवसर जा गई शंभु भवानी जानी प्रिया आदर अति कीना जानी प्रिया अति कीना बाम भाग आसन हर दीना आसन हर दीना बाम भाग आसन हर दीना बाम भाग आसन हर दीना पार योग्य अवसर देखकर पार्वती जी गई, भगवान शंकर को प्रणाम किया, अपनी प्रिया जानकर बहुत आदर दिया शंकर जी ने, पर बाम भाग आओ, बाम भाग में आसन दिया। पुनः पार्वती जी ने वाम भाग में बैठने का अधिकार प्राप्त कर लिया, बैठी
आंख में आंसू आ गए आनंद के। यहां मेरा स्थान था, मैंने गवाया, फिर कितनी तपस्या करना पड़ी पुनः यहां बैठने के लिए, स्थान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अंत में महादेव जी की कृपा से पुनः बैठी। ये दूसरे जन्म में सती पार्वती बनकर के बैठ पाई, सीता का हरण हुआ और पुनः वे राम के पास बैठी। सीता जी को भी बड़ा आनंद हुआ था, लेकिन सीता के त्याग के बाद पुनः राम के पास बैठने का अवसर सीता जी को नहीं मिला। वो बैठी लेकिन मां धरती की गोद में समा गई धरती के अंदर। करुणा की कथा है राम कथा, प्रेम की कथा है राम कथा। पूर्व जन्म की कथा याद आई पार्वती जी को, पूछा नाथ कल्पतरु के नीचे जिसका मकान हो वह कभी दरिद्र हो सकता? प्रणाम करने वालों के लिए आप तो कल्पवृक्ष के समान त्रिभुवन गुरु हैं। मैं कुछ पूछना चाहती हूं। महादेव जी बोले, हां देवी पूछो। पूर्व जन्म की याद दिलाई, याद है भगवान मेरे पूर्व जन्म में हम गए थे अगस्त जी के आश्रम में, कथा सुनकर आ रहे थे, मार्ग में राम जी का दर्शन हुआ, आपने प्रणाम किया, मैंने नहीं किया, मैंने शंका करी, आपकी आज्ञा से मैं परीक्षा करने गई, सीता का रूप लिया, आपने मेरा त्याग किया। लेकिन पहले वाला संशय तो नहीं है, माना कि राम ब्रह्म है, लेकिन मन में ये प्रश्न है भगवान कि फिर उसको किसी राजा का बेटा क्यों बनना पड़ा, और यदि वो राजा के पुत्र है तो फिर ब्रह्म क्यों? जो नृपतनय तो ब्रह्म किमि नारी बिरह मति भव। आप मुझे समझाइए, शरीर बदल गया लेकिन चेतना तो वही है ना, मन में अभी शंका वही, प्रश्न वही। महादेव जी ने कहा, देवी तुमने रामचरित्र सुनने के लिए यह प्रश्न किया? पार्वती जी ने कहा कि हां नाथ, यदि वो परात्पर ब्रह्म है तो मुझे ये समझाइए कि ब्रह्म को किसी का बेटा क्यों बनना पड़ा। राम अवतार के कारणों की चर्चा करिए, भगवान राम के प्रागट्य की कथा कहिए, बाल लीलाओं की कथा कहिए, जिस प्रकार विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा किया, अहल्या का उद्धार किया, मिथिला में जाकर धनुभंग किया, सीता के साथ विवाह हुआ, और फिर राम राज्याभिषेक की जब तैयारी हुई, कैकेयी के मांगे हुए वरदान के चलते प्रभु को वन जाना पड़ा, वन में अनेक कौल की रातों साधु संतों पर अनुग्रह किया, समुद्र पर सेतु बंधाया, रावण आदि असुरों का विनाश किया, और पुनः अयोध्या में सीता जी को लेकर के पधारे और राम राज्याभिषेक हुआ। ये सब वर्णन मुझे आप करके बताइए, सुनाइए, जो प्रश्न मैंने न पूछा हो उसके विषय में भी आप मुझे बताइएगा। कहते हैं रामायण के विद्वान की भिन्न भिन्न नौ प्रश्न पूछे हैं पार्वती जी ने, इसलिए नौ दिन में राम कथा सुनाया महादेव जी ने। महादेव जी राम कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। देखो क्या अद्भुत दृश्य है, ये पति पत्नी के बीच में कथा हो रही है, पति बोल रहा है और पत्नी सुन रही है। घर घर में ऐसा हो तो कितना अच्छा है, पति बोले और पत्नी सुने, कितनी अच्छी बात। लेकिन उल्टा देखने को मिलता है, वो बोलती है और वो सुनता है। स्कूल में कोई बच्चा उपद्रव कर रहा था तो टीचर ने उसको डांटा, कहा क्या नाम है तेरा, नाम बता, तेरे पिताजी क्या करते हैं, तेरे बाप को बताना पड़ेगा, पढ़ने आते हो कि उपद्रव करने आते हो, उधम मचाते हो, क्या करते हैं तेरे पिताजी,
उसने रोते हुए कहा, जो मेरी मम्मी कहे। टीचर का तो पूछने का मतलब था, क्या करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन बच्चे ने जो हकीकत थी बयान कर दी। क्या करते हैं तेरे पिताजी? बोले, जो मेरी मम्मी कहे। तो पति बोले, पत्नी सुने तो अच्छा लगता है, लेकिन पत्नी बोले और पति। बच्चे ने पूछा पिताजी से, पिताजी ये गन और मशीन गन में क्या फर्क होता है? तो पापा बोले, बेटा मैं बोलूं वो गन। और तेरी मम्मी चालू हो जाए मशीन गन, गन में से तो एक ही गोली छूटती है, धड़ा बस हो गया। ये ज्यादा ज्यादा छह होगी, लेकिन मशीन गन एक बार चालू हुई, धड़ 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 धड़। खैर ये तो विनोद हम कर रहे हैं, लेकिन इस कथा में जो दर्शन है उसको समझे गंभीरतापूर्वक। शंकर जी बोल रहे हैं और पार्वती जी सुन रही है। शंकर जी विश्वास है और भवानी श्रद्धा। इसका मतलब यह हुआ, विश्वास बोल रहा है, श्रद्धा सुन रही है। वक्ता में विश्वास बोले और श्रोताओं में श्रद्धा सुने, तब ज्ञान यज्ञ होता है। क्योंकि षडानन का जन्म तो हो गया, अब गजानन का प्रागट्य होना है। गजानन यानी ज्ञान, ज्ञान को प्रकट करना है और ज्ञान को प्रकट करने के लिए ही ये कथा है, इसलिए इसको ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। और ज्ञान कब प्रकट होता है? जब विश्वास बोले और श्रद्धा सुने। विश्वास वक्ता हो, श्रद्धा श्रोता हो। श्रद्धा शब्द में दो शब्द छुपे हुए हैं, सत और धा, यानी सत्य को धारण करने का सामर्थ्य। ज्ञान ही सदरूप है, उसको धारण करने का सामर्थ्य ही श्रद्धा कहलाता। और वक्ता में विश्वास बोले, विश्वास कब बोलेगा? जाने बिनु न होई परतीति और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जो अनुभूति संपन्न है उसी में विश्वास बोलता है। तो एक सिद्ध है, एक साधक है। वक्ता सिद्ध न हो तो कोई बात नहीं, कम से कम थोड़ा साधक तो हो, एक प्रामाणिक साधक तो हो। भगवान शंकर जी ने कथा सुनाते समय आंख बंद करी, ध्यान किया, मगन ध्यान रसदंड जुग होनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। मगन ध्यान रसदंड जुग, दो दंड के लिए ध्यान रस में मगन हुए। उन मन बाहर कीन, पूजा में बैठते हो तो पहले स्नान करते हो ना, कथा सुनाना भी भगवान की वांग्मयी पूजा करना, उस पहले स्नान करना चाहिए। ध्यान की गंगा में गोता लगाया, स्नान किया। उन मन बाहर कीन, प्रयास पूर्वक मन को बहिर्मुख करना पड़ा। हाँ, हमको अंतर्मुख होने मेहनत करनी पड़ती है, शंकर जी ने बहिर्मुख होने में मेहनत करनी पड़ी। समाधि तो इनके लिए सहज है। पुनि मन बाहिर कीन, प्रयास पूर्वक अपने मन को बहिर्मुख किया। वास्तव में अंतर्मुखता और बहिर्मुखता की बीच में देहरी पर बैठ करके ही वक्ता बोलता है। पूर्णतया अंतर्मुख हो गया तो बोल नहीं पाएगा, और पूर्ण रूपेण बहिर्मुख है तो बोलता क्या है, वक्ता है। फिर तो वक्ता वक्ता है, केवल बहिर्मुखता की स्थिति में। इसलिए अंतर्मुखता और बहिर्मुखता की देहरी पर बैठ करके, जिस प्रकार देहरी पर बैठ करके नृसिंह ने हिरण्यकशिपु का नाश किया था, उसी प्रकार वक्ता को भी अंतर्मुखता और बहिर्मुखता की देहरी पर बैठ करके बोलना होता है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गिरिराज कुमारी आप धन्य हैं, आपने वह कथा पूछी है जो सकल जगत को पवित्र करने वाली गंगा है। देवी
भगवान श्री राम परात्पर ब्रह्म है, वह निर्गुण निराकार प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न, उनकी लीला अलौकिक, बिना पग के वो चलते हैं, बिना हाथ के काम करते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे बिधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, वो बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। बिना मुंह के खाते हैं, सकल रस भोगी है, भोक्ता, और बिना वाणी के वक्ता, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना आंख के वो देखता है और बिना शरीर के वो स्पर्श भी करता है। हसी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, ऐसी अलौकिक करनी है प्रभु की। वही निर्गुण निराकार प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न पर ब्रह्म परमात्मा भक्तों की भक्ति के वशीभूत होकर सगुण साकार रूप लेकर के आते हैं। कब? जब जब होई धर्म के हानि, अरे बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु तरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, पृथ्वी गाय ब्राह्मण ऋषि मुनि सब दुखी होने लगते हैं, असुर अत्याचार करते हैं, तब तब भगवान भिन्न भिन्न रूप लेकर के प्रकट होते हैं, पृथ्वी के भार को हरते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधु का परित्राण और धर्म का संस्थापन करते हैं। तदनुसार भगवान सगुण साकार राम रूप में प्रकट हुए। फिर भी राम अवतार के पांच कारणों की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी, उसमें वरदान की तो एक ही जगह बात है, बाकी श्राप की ही बात है। देखो, श्राप के कारण भगवान का अवतार हुआ। एक बार सती वृंदा का श्राप हुआ विष्णु को, इसलिए भगवान राम का अवतार हुआ। और एक बार नारद जी का श्राप हुआ भगवान विष्णु को, उसके कारण राम अवतार हुआ। एक बार सनत कुमारों का श्राप हुआ भगवान के दोनों द्वारपाल जय विजय को, उसके चलते राम अवतार हुआ। एक बार ब्राह्मणों का श्राप हुआ राजा प्रताप भानु को, उसके चलते अवतार हुआ। तो ये चार तो श्राप की ही बात है, केवल एक कारण में स्वयं भू मनु अरुषद रूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, मनु अरुषद रूपा को वरदान मिला है भगवान का, इसलिए भगवान उनके घर पुत्र बनकर के आए। तो पांच कारणों की चर्चा है रामावतार के, उसमें समयाभाव के कारण नहीं जाएंगे हम, लेकिन पांच कारणों की जो चर्चा करी है रामचरितमानस में, भगवान राम के प्रागट्य के कारण में, चार में श्राप है और एक में ही वरदान है। तो कभी कभी महापुरुषों का श्राप भी भगवान के प्रागट्य में कारणभूत होता है, भगवान का वरदान, लेकिन महापुरुषों का श्राप। इसलिए साधु पुरुष क्रोध भी करते हैं तो उस क्रोध में भी अनुग्रह छुपा हुआ रहता है। चाहे रामायण की कथा सुनिए, चाहे भागवत की कथा सुनिए, कथा तो श्राप और वरदान की ही है और क्या है, लेकिन संतों के द्वारा ऋषियों के द्वारा दिए गए श्राप में भी वरदान भरा पड़ा है, छुपा पड़ा है। अहल्या को श्राप दिया गौतम ऋषि ने, तो अंत में क्या हुआ? अहल्या को राम दर्शन हुए, इसलिए अहल्या जी बोली भी ना, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखे वो भरी लोचन। अरे बाबा मोच। तो पांच कारणों की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी है, रामावतार के पांच कारण बताए हैं। रामायण में राम जन्म से पहले रावण के जन्म की कथा आती है, मतलब अंधकार को पहले पहचान लो, बाद में प्रकाश की बात, समस्या को पहले ठीक ठीक जान लो, तभी तुम समाधान की ओर आगे बढ़ सकते हो। कुलस्त्य कुलोत्पन्न है, विश्रवा का बेटा है, तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, बहुत तपस्या किया तीनों ने,
ब्रह्मा जी और शंकर जी वरदान देने गए, रावण के पास गए और तपस्या से प्रसन्न होकर के बोले, मांग, तूने बहुत तप किया है, क्या दें? रावण ने मांगा, हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी से मरे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, जो पैदा होता है उसको मरना पड़ता है। ब्रह्मा जी बोले, मुझे भी जाना पड़ता है, मेरी भी निश्चित आयु है, तब मुझे भी जाना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो रावण ने कहा कि ठीक है, फिर वानर मनुष्य जाति दो ही बार है, केवल वानर और मनुष्य से ही हम मरे, बाकी न मरे। रावण मानता था कि मानव और वानर असुरों के आहार है, उसको तो हमारे राक्षस खा जाते हैं, जो हमारी खुराक है वो हमको क्या मारेगी, लेकिन उसको कहां पता है। दुनिया में जितने लोग भूखे नहीं मरते उतने खाने से ही मरते हैं, खा के लोग ना मरते हैं, खान पान में जब गलती हो जाती है, यमा जाफरा चढ़ी जाए और गुजरी जाए भाई, उसी के कारण लोग ज्यादा मरते। बोले बानर मनुज जाति दई बारे। तो ब्रह्मा जी बोले, एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। शंकर जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर के उसको वरदान दिया, ठीक है तथास्तु। फिर कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण के भारी भरकम शरीर को देखा तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि यह आदमी रोज खाएगा तो लोगों को उपवास करना पड़ेगा, इसलिए सरस्वती को प्रेरित किया ब्रह्मा जी ने और सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर आकर बैठ गई। जब मांगने के लिए कहा ब्रह्मा ने तो कुंभकर्ण ने मांगा निद्रासन, इंद्रासन चाहिए था लेकिन निकल गया निद्रासन। 6 महीने की निद्रा मांगी और तुरंत ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु 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 तथास्तु, सोते रहो पुत्र, सोते रहो, तुम्हारा सोना ही जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। वैसे तो जागृति की बड़ी महिमा है लेकिन कईयों की सुषुप्ति संसार के लिए वरदान सिद्ध होती है। कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है और अहंकार हमारे अंदर सोता रहे उसी में हमारी भलाई। तो 6 महीना सोता रहता, फिर एक दिन जागता, जागता है तो इतना खाता था, इतना खाता था जब जागता था, एकादशी हो या न हो सबको भूखा रहना पड़ता था, ढिंडोरा पिटवा दिया जाता था, सुनो सुनो सुनो, कल किसी को खाना नहीं मिलेगा क्योंकि कल भ्राता कुंभकर्ण की जागृति की ड्यू डेट है, कल भ्राता कुंभकर्ण जागेंगे, अतः कल सबको भूखा रहना पड़ेगा, किसी को भोजन नहीं मिलेगा, आगाह कर दिया जाता था ढिंडोरा पिटवा के। अहंकार सोता रहता है हमारे अंदर, उसी में हमारा कल्याण है, लेकिन 6 महीने में कभी एक दिन जाग जाता है और जब जाग जाता है तो हमने जितने भी सत्कर्म किए हैं, जितने पुण्य किए हैं सब खा जाता है, तब अकल आ जाती है, फिर अहंकार सो जाता है। चाहे कोई कितना ही अच्छा काम क्यों न करे लेकिन बाद में अभिमान करे तो उसका अभिमान उसके सत्कर्मों को खा जाता है। लोग कहते हैं काम तो बहुत अच्छा करता है लेकिन आदमी अभिमानी बहुत है, लोगों को फिर वो काम नहीं दिखता, उसका अभिमान ही दिखता है, फिर लोगों को तुम्हारे सद्गुण नहीं दिखेंगे, तुम्हारा अहंकार ही दिखेगा। 6 कटोरा खीर खा लो और अंत में 2 कच्चे लहसुन की कलियां चबा लो तो डकार लहसुन की आएगी, खीर की नहीं। उसी प्रकार चाहे अच्छा जितना हो सके काम कर लो लेकिन अंत में अभिमान कर लो कि देखा करके दिखाया ना।